स्कूल और कॉलेजेस के दिन हमारे जिंदगी के सबसे खूबसूरत और यादगार दिन होते हैं, जहाँ की यादें हमारे दिल में जिंदगी भर के लिए अपनी जगह बना लेती हैं। पर हमारे भारत में ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो किसी अविश्वसनीय शक्ति और रूहानी ताकतों का शिकार बनी हुई है। इन सभी कॉलेजेस में घटने वाली घटनाएं इतनी डरावनी है कि यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ साथ स्टाफ मेंबर और प्रोफेसर्स भी इन अविश्वसनीय शक्तियों का शिकार बन चुके हैं। इन कॉलेजेस के विद्यार्थी कॉलेज के पुरानी यादों और डिग्री के साथ साथ इन भूतिया कॉलेज के खौफनाक यादों के डर को अपने दिल में बसाकर इस कॉलेज से विदाई लेते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इससे पहले मैं आगे बढूं, मैं चाहूंगा कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसा करने से आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और ये बिल्कुल फ्री है, तो एक छोटी सी हेल्प करना तो बनता है यार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं हमारे भारत के कुछ ऐसे ही डरावने कॉलेजेस के बारे में। NIT हमीरपुर। कहते हैं कि इस कॉलेज के कैलाश हॉस्टल के सी ब्लॉक में एक भूतिया कमरा है। कुछ साल पहले इस कमरे में कॉलेज के एक छात्र ने आत्महत्या की थी और इसके बाद से ही लोगों को इस कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। इस हॉस्टल में रहने वाले कई छात्रों का कहना है कि इस कमरे में आते ही अपने आप ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन हो जाता है और ब्लूटूथ कनेक्शन का नाम बॉय हु डाइड शो करने लगता है। वहीं कमरे से बाहर निकलने पर यह कनेक्शन गायब हो जाता है। IIT रुड़की। ये कॉलेज देश का सबसे प्रसिद्ध और नामचीन शिक्षण संस्थान है। इस कॉलेज में भी डिप्रेशन की वजह से एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था। कहा जाता है कि अब उसकी आत्मा इस कॉलेज में भटकती रहती है और रात के अंधेरे में यहाँ के कई छात्रों को वो दिखाई देती है। पुणे विश्वविद्यालय। देश के ज्यादातर लोगों का कहना है कि भारत के इस कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये कॉलेज भूतिया है। माना जाता है कि सन 1886 में एक ऑस्ट्रेलियन महिला की इस कॉलेज में एक गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई थी और अब उस महिला की आत्मा यहाँ के कॉरिडोर्स में घूमती नजर आती है। क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास। ये कॉलेज भारत के सबसे भूतिया कॉलेजों में से एक है। यहाँ के छात्रों को आज भी इस कॉलेज के केमिस्ट्री लैब में भूतिया आवाजें सुनाई देती हैं। छात्रों का कहना है कि इन आवाजों को सुनने से ऐसा लगता है कि कोई रोता हुआ प्यार के विषय पर लेक्चर दे रहा हो। कहा जाता है कि इस कॉलेज में पहले सर वॉरेन हॉस्टिंग रहा करते थे और आज भी उन्होंने इस जगह को छोड़ा नहीं है। यहाँ के छात्रों को आज भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। छात्रों का कहना है कि अपने ऊपर लगे रिश्वतखोरी के आरोप के लिए वे आज भी यहाँ दस्तावेजों की तलाश कर रहे हैं। सिन्हागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। दोस्तों, आपको थ्री इडियट्स मूवी का वह दृश्य तो याद होगा जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज का एक छात्र आत्महत्या कर लेता है और वह अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ जाता है और उस सुसाइड नोट में लिखा होता है कि मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ और वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह का एक वाक्य पुणे के इस सिन्हागढ़ कॉलेज में हुआ था, जब यहाँ के एक छात्र ने मानसिक दबाव के चलते आत्महत्या कर लिया था, पर मरने के बाद भी उसकी रूह इसी कॉलेज में घूमती रहती है और यहाँ के छात्रों ने कई बार कॉलेज के कैंपस में उस लड़के की आत्मा को देखा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके पास कोई मजेदार टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे ही एक रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।